बीजेपी और पीडीएफ महबूबा मुफ्ती 36 का आंकड़ा, लेकिन गठबंधन करके सरकार बनी ने 93 की घटना को लेकर के कोई नहीं मानता था कि बसपा और सपा एक होंगे, वो 19 में एक हुए। ऐसे उदाहरण है, नीतीश जी और लालू जी को ले लीजिए, मानने को तैयार नहीं। नीतीश जी ने यहां तक कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज भाजपा गठबंधन से सरकार में। भैया मेरे देखिए, जो टीम जीतती है वो ए टीम, जो हारती है वो बी टीम हो गई ना। सपा भी बी टीम है, बसपा भी बी टीम है, राजभर भी बी टीम, सब बी टीम वाले हैं। ये जब जीतेंगे तब ना ये टीम होंगे। तो नहीं राजभर जी, ये लॉक कर लिया जाए कि आप बसपा के साथ ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि स्वतंत्र देव जी के घर पर आप दिखाई पड़े हैं? देखिए, जब तक प्रेस वार्ता हम न करें तब तक आप लोग धैर्य से अपना अपना दिल पकड़ के रहिए। नहीं तो दिल्ली, आप दिल्ली गए थे, अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई थी, अच्छा अमित शाह जी से क्या बातचीत हुई थी खुद, अब तो बता दीजिए। अब तो वो तो हो गया, वो तो हो गया ना। नहीं बात चुनाव के अलावा भी तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कोई बात नहीं। अच्छा विधायकों के नाम तो बता दीजिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। भाई मैंने उसी दिन बताया ना कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, आज भी कह रहा हूँ नहीं बताऊंगा आपको, उस दिन बताऊंगा जब आपके टीवी पर ले आऊंगा, ऐसे ही बैठा के कुर्सी पर। सबको टिकट भी दे देंगे, हम टिकट बांटने वाले कौन है? जब टाइम नहीं कहाँ देखेंगे हम लोग सर, किधर जाएंगे सर? माल एवेन्यू जाएंगे, माल एवेन्यू जाएंगे, विधानसभा के सामने जाएंगे, माल एवेन्यू की तरफ जाएंगे, विधानसभा के सामने जाएंगे। नहीं देखिए, जब आसमान की तरफ देखेंगे तो नीला दिखता है, जब बसंत ऋतु आती है तो पूरा धरती पीला हो जाती है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस का चले जाए। सर सपा और आरएलडी के आपके संपर्क में कितने विधायक हैं जो टूट सकते हैं? कोई नहीं है यार, आप क्रॉस वोटिंग कर हुई है, क्रॉस वोटिंग कई लोग संपर्क में है। देखिए आपको मैं जब तक फिगर सामने न दिखा दूं तब तक मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता, ठीक है ना। फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो, उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण कोई लड़ा दो, जो कम से कम 50 हजार वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी, तो अब तो हम तो उनका तलाक आ गया। सर, अब आप क्या करें? हम तो कबूल कर लिए। ओपी राजभर जी तो अब बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं। सर अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, क्या आप अब्बास अंसारी के साथ में हैं? हमारी पार्टी के हमारी पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है इस्तीफा दे दिए? कहीं देखा आपने उनका इस्तीफा? इस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी पे और अब्बास अंसारी खुद कहते थे कि हमारे खिलाफ भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है, जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है, क्या अब कुछ ये बात अब्बास अंसारी? चलिए एक सवाल बता दिए कि बीजेपी से चूंकि नई नई दोस्ती हुई है, फोन आ गया कोई, चल रहे साथ में? अरे समन्वय ने फोन है हमारा, पढ़ लीजिए नंबर। आते-आते गाड़ी में फोन पे बात तो हो गई होगी? नहीं हम तो यहीं बैठे हैं, कम से कम हमको अंदाजा कि 12 बजे से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में मालूम है सबको कि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या घटने वाला है, उनको एहसास होने लगता है? देखिए देश प्रदेश का चुनाव था, राजभर के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी, राष्ट्रपति का चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द चर्चा शुरू हो गई है, अब 24 का चुनाव आया है फिर शुरू हो गया ऐसे। लेकिन आप नाम नहीं बता रहे हैं कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सपा वाले? नहीं अब नहीं बता, देखिए हम उस समय बताते हैं जब ओपन होता है। विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन लोग आ रहे हैं, जब शुरू कर दिए आने लगे तब आप लोगों को लगा कि नहीं नेता सही बोल रहे हैं।